राजस्थानी भोपाल के ग्लोबल पावर सिस्टम टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल काटा का शुभारंभ आलोक शर्मा पूर्व महापौर द्वारा किया गया। आज 51 घोड़ा निकास पर स्थित इलेक्ट्रिकल काटा का शुभारंभ गौरव तिवारी ने पूर्व महापौर आलोक शर्मा द्वारा रिबिन काट कर करवाया गया, जिसमें पूर्व महापौर द्वारा कहा गया कि डिजिटल काटा पर ग्राहक का विश्वास बरकरार रहे। गौरव तिवारी द्वारा कहा गया कि यह हमारी चौथी शाखा है, हमारे द्वारा लोगों को विश्वास जीता जाता है, इसी विश्वास पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर छोटे काटे, बड़े काटे या फिर रिपेयरिंग जैसी विशेष सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस दी जाती है। हमारे से संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं या फिर हमारी साइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। बताइए इसके बारे में, जो आज आपने उद्घाटन रखा है। पावर सिस्टम को अभी 8 साल हो चुके हैं, ये अपनी चौथी ब्रांच है। ये चौथी ब्रांच है ग्लोबल पावर सिस्टम को। ये घोड़ा निकास क्षेत्र में है, गंगा राज के सामने नीचे में, और बाकी दो शॉप और भी हैं जो कृष्णा कॉम्प्लेक्स में है, और एक व्यक्ति और एक जो न्यू पावर खानी है। ये हमारा चौथा बड़ा शॉप है, चौथा वाली शॉप है ये हमारा। इसके बाद हमारी वो भी प्लानिंग है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, इसके बाद हमारे इलेक्ट्रिकल भी चालू हो जाए काम वगैरह जो भी अभी वही काटे वगैरह का रेट है। इसके लिए ये ऑल इंडिया हमारा सप्लाई है, इसमें ऑल एमपी भी है, ऑल इंडिया भी है। और ये जो शॉप खोली गई है बेसिकली अपनी रिटेल की नहीं खोली गई है, इसमें रिटेल की जो व्यक्ति लेना चाहे बहुत ही अच्छे दाम के सबसे सस्ते दाम हर तरह प्रकार के काटे उपलब्ध हैं। इसमें 1 किलो से लेके 5 हज़ार रुपये तक की रेंज उपलब्ध है। प्रोडक्ट क्या क्या है आपके प्रोडक्ट में? हमारे पास बैटरी है 16 मीटर के, और हमारा क्या बैटरी का भी है, 2 मीटर बैटरी का भी है, और ये वेट स्केल का है, वेट स्केल के 500 का मटेरियल। गवर्नमेंट सप्लाई में भी आप देते हैं? रेंज क्या है इसकी? रेंज सारे रेंज में है, 1 किलो से लेके तो मैंने आपको 5 हज़ार किलो तक के हैं वेट स्केल, जो हमारे गवर्नमेंट उसमें भी है सप्लाई में भी है, जिला कॉपरेटिव बैंक वगैरह जितनी जगह भी जाते हैं सारी जगह सप्लाई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।